हेलो फ्रेंड्स जय श्री यर आज मैं आपको स्प्लाइंस के ऑब्जेक्ट टाइप में से लाइन आर्क एंड हेलिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी और मैं आपको एक मोडिफायर्स के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगी वो है एक्सट्रूड मोडिफायर सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन से तो यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू में जा रही हूँ और जो भी मेरे बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं यहाँ से राइट right क्लिक करके हाइट सिलेक्शन करती हूँ तो पहले हम लोग लाइन के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे मैंने लाइन को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हो कि लाइन में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं जैसे यहाँ पे वर्टेक्स देन सेगमेंट एंड स्प्लाइन तो इन्हें ही यूज़ करके आप लाइन को एडिट करके एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो लाइन को तो अगर आप लाइन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो है रेंडरिंग करके तो रेंडरिंग में अगर आपने ये दोनों को ऑन किया तो इस तरीके से आपको ये एक लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ दिखेगा एंड यहाँ पे और अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि लाइन का जो थिकनेस आपने बढ़ाया हुआ है वो आपको रेडियल में चाहिए कि रेक्टेंगुलर में चाहिए तो आप जैसे भी आपका मॉडल बना रहे हो उस हिसाब से ये ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो देन अगर मैंने इसमें से किसी को भी चूज़ किया तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए जैसे रेक्टेंगुलर में आपको एक रेक्टेंगल का लेंथ कितना रखना है वेथ एंड कौन से एंगल में लग रहे हैं ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं देन अभी हम लोग वर्टेक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके मैं अभी ये रेंडरिंग के ऑप्शंस को ऑफ कर देती हूँ सो so, अभी मैं वर्टेक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वर्टेक्स में आपको ये जो पॉइंट्स है लाइन में इनको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं तो वर्टेक्स में आपको पहला ऑप्शन मिलेगा वो है रिफाइंड तो अगर आपने लाइन से कोई शेप क्रिएट किया और उसमें आपको अगर वो पॉइंट्स को ऐड करना हो तो आप रिफाइन पे क्लिक करके इस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लाइन्स में ऐड कर सकते हो एंड देन उसके बाद है वेल्ड तो वेल्ड के बारे में अभी आपको बताती हूँ तो ये जो लाइन है इसका हम लोग शिफ्ट प्रेस करके कॉपी बनाते हैं तो पहले वेल्ड के पहले समझो कि जैसे मैंने लाइन से ये अलग अलग दो शेप्स क्रिएट किए हैं तो वेल्ड करने से पहले मुझे ये दो शेप को अटैच करना पड़ेगा सो मैं पहले यहाँ पे लाइन में आके अटैच पे क्लिक करती हूँ एंड इसको अटैच करती हूँ सो अभी आप वर्टेक्स में जाओ, जाओगे एंड डब्ल्यू प्रेस करना है आपको और यहाँ पे मैं मेरे पॉइंट्स को सिलेक्ट करती हूँ जिनको मुझे वेल्ड करना है एंड देन वर्टेक्स में आके मैं यहाँ पे वेल्ट पे क्लिक करती हूँ और आपको फिर यहाँ पे आपका अमाउंट बढ़ाना है फिर क्लिक ऑन वेल्ट तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरे दो पॉइंट्स थे अलग अलग ऐसे यहाँ पे वेल्ट क्लिक करने से ये अभी जॉइन हो गए तो इस तरीके से हम लोग वेल्ट को यूज़ करते हैं देन नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फिलिट करके तो यहाँ पे पहले मैं कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करती हूँ एंड इसको इस तरह से मूव करती हूँ और अगर आप लाइन के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखेंगे जैसे हम लोग वो लाइन्स के शेप्स में यूज़ कर हैं बहुत बार यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्मूथ एंड देन कॉर्नर देन बेजियर और बेजियर कॉर्नर तो मैं यहाँ पे इसको कॉर्नर कर रही हूँ और यहाँ पे आपको फिलेट के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ तो अगर मैं फिलेट पे क्लिक करती हूँ तो ये जो शेप है मेरा इस तरीके से चेंज हो सकता है तो इस तरीके से हम लोग फिलेट को यूज़ करते हैं एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शैम्फू तो सेम मैं एक पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ और डब्ल्यू प्रेस करके इस तरह से मूव करती हूँ और मैंने अगर शैम्फू पे क्लिक किया तो ये जो मेरा लाइन में से शैम्फू है ये इस तरीके से काम करेगा सो so, उसके बाद के जो ऑप्शन है वो है सेगमेंट्स में तो सेगमेंट्स में भी आपको सेम ही ऑप्शंस मिलेंगे जैसे वर्टेक्स में थे जैसे कि रिफाइन तो अगर आप यहाँ पे रिफाइन पे क्लिक करोगे तो सेगमेंट्स में भी आपके पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्प्लाइन स्प्लाइंस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो स्प्लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है एक अटैच एंड दूसरा है आउटलाइन करके तो अटैच के बारे में हम लोगों ने वर्टेक्स में देख लिया सो so, अभी मैं आपको आउटलाइन के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ तो इस तरीके से अगर आपने आपके स्प्लाइन को सिलेक्ट किया एंड आउटलाइन पे क्लिक किया तो अगर इस तरह से मैं ड्रैग करती हूँ मेरे माउस को तो आप देख सकते हो कि आपके लाइन के आजू बाजू में एक आउटर लाइन क्रिएट हो रहा है तो इस तरीके से ये आउटलाइन का ऑप्शन काम करता है देन अगर आपके कोई पार्ट को आपको डिटैच करना हो लाइन्स में से जैसे मैं यहाँ पे सेगमेंट्स को अभी क्लिक करती हूँ तो मुझे जो मेरा इतना जो शेप है ये अलग शेप बनाने का है मुझे तो इसके लिए हम लोग डिटैच को यूज़ करते हैं सो so यहाँ पे सेगमेंट्स में भी आपको वही ऑप्शन मिलेगा एंड स्प्लाइंस में भी तो आप सेगमेंट्स पे क्लिक करके अगर अगर आपने वो सिलेक्ट किए जितना पार्ट आपको डिटैच करना है एंड देन क्लिक ऑन डिटैच तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि जो न्यू नि, शेप बनाने का है इसको आपको क्या रीनेम करना है जैसे मैं इसको रीनेम करती हूँ ज़ीरो से तो आप देख सकते हो कि ये और ये शेप अलग अलग बन गए तो इस तरीके से हम लोग लाइन में से ऑप्शंस को यूज़ करते हैं लाइन्स के अलग अलग ऑप्शन को और एक बार आपने अगर वो पार्ट को डिटैच कर दिया तो उसके बाद वो एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट हो जाता है और एडिटेबल स्प्लाइन में भी आपको सेम ही ऑप्शन मिलते हैं तो अभी जो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको लाइन के बारे में बताने वाली हूँ वो ये है मैं ये पार्ट को डिलीट मारती हूँ अगर आपने सेगमेंट्स को क्लिक किया अगर आपका कोई सेगमेंट्स आड़ा टेढ़ा हो गया और आपको उसको स्ट्रेट स्केल करना है तो आप स्केल प्रेस करके इस तरह से किसी भी एक्सेस में स्केल कर सकते हैं, जिसमें आपको वो स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको वो लाइन मिल जाएगा जैसे कि मुझे ये पूरा जो मेरा लाइन है मैं ये सेगमेंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट करती हूँ मेरा पूरा लाइन है तो मैं यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करती हूँ एंड देन इसको स्ट्रेट करना है मुझे तो मैं इस तरह से वाई एक्सेस में इसको स्केल करके मेरे लाइन को लाइन का शेप जो है वो स्ट्रेट भी कर सकती हूँ सो so, ये हुए सारे लाइन के ऑप्शन अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं आपको आर्क के बारे में बताने वाली हूँ तो हम लोग लाइन को डिलीट कर दे यहाँ पे एंड देन मैं यहाँ पे आर्क को सिलेक्ट करती हूँ तो अगर आप इस तरह से कोई एक पॉइंट अगर एक पॉइंट को क्लिक करना है एंड देन शिफ्ट तो यहाँ पे आपको आर का शेप मिल जाएगा मैं इसको पहले ऑफ़ कर देती हूँ और आपको अभी आर के बारे में बताती हूँ तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट माउस से मैं क्लिक कर रही हूँ एंड देन शिफ्ट प्रेस करके मैं अगर माउस को आगे कर रही हूँ तो इस तरह से मुझे एक लाइन मिलेगा एंड देन आपको ये लाइन को छोड़ना है और उसके बाद अगर आप माउस को आगे पीछे करते हो तो इस तरीके से आपका ये आर्क बन जाएगा तो ये स्प्लाइन में जो आर्क शेप है इसको भी हम लोग बहुत बार अपने मॉडलिंग में यूज़ कर सकते हैं तो आर्क में भी आपको सेम रेंडरिंग ऑप्शन मिलेंगे जैसे हम लोग ने लाइन टूल में देखे और सेम ऑप्शन रेडियल और रेक्टेंगुलर के भी मिलेंगे तो आर्क के पैरामीटर्स के बारे में अभी आपको भी बताती हूँ तो यहाँ पे आप आपके आर्क का रेडियस फिक्स कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पे उसको 120 डाल रही हूँ एंड देन अगर प्रॉपर 180 एटी एंग, एंगल में आपको कोई आर्क बनाना हो तो यहाँ पे फ्रॉम टू दिया है तो फ्रॉम का वैल्यू मैं ज़ीरो कर रही हूँ एंड टू का वन तो ये प्रॉपर वन में, में मेरा ही आर्क रेडी हो गया यहाँ पे पाई स्लाइस है अगर इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो इसके ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो ये प्रॉपर स्प्लाइन से आपका शेप बन गया मीन्स जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं स्प्लाइन से वो बन गया अगर आपको इसके ऊपर इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है आपके शेप को तो इसके ऊपर मैं एक मॉडिफायर अप्लाई कर रही हूँ वो है एक्सट्रूड तो ये इस तरीके से हम लोग कोई भी शेप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये मॉडिफायर को यूज़ करते हैं देन उसके बाद जो स्प्लाइन है मेरा वो है हेलिक्स तो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ से मेरा शेप क्रिएट कर रही हूँ आप अगर लेफ़्ट माउस क्लिक से शेप ड्रॉ करते हो तो इस तरह से सर्कल बनेगा देन अगर आपने माउस को आगे पीछे किया तो ये हेलिक्स का जो शेप है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से एंड देन राइट क्लिक तो आप देख सकते हेलिक्स में भी आपको सेम ऑप्शंस मिलते हैं और हेलिक्स हेलिक्स में भी आपको पैरामीटर्स मिलेंगे जैसे रेडियस वन और ये है रेडियस टू उसके बाद आप इसकी हाइट को भी डिसाइड कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे रख रही इसको फिफ्टी फिफ्टी सॉरी इसको फिफ्टी रखना है और इसका हाइट समथिंग में वन ट्वेंटी रखती हूँ एंड देन ये टर्न्स जो है अभी यहाँ पे चार टर्न्स मैंने लिए अगर इसको हम लोग कम या बढ़ा भी सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से देन uh, जो नेक्स्ट नीचे जो ऑप्शन है वो है सी डब्ल्यू एंड सी सी डब्ल्यू मीन्स क्लाक वाइज और काउंटर क्लाक वाइज मीन्स एंटी क्लाक वाइज तो इस तरह से आप आपके हेलिक्स का शेप भी चेंज कर सकते हो सो so, ये जो तीन स्प्लाइंस uh, थे इनको हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं अपने मॉडल मॉडल में सो so, ये जो वीडियो है मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो